Hello and welcome kids once again to the science classes of grade 4. And in this part of the video grade kids, I'm going to further explain chapter number 8 of your science course book that is about reproduction in animals, in which I have already told you about that yes, there are different types of animals and they reproduce by different types of methods. Okay, and reproduction is important for the continuity of life on the earth. And the process by which living things produce their young ones or their babies of their own kinds. अपने जैसे जो वो babies produce करते हैं उसे ही हम reproduction कहते हैं. Then we have seen about that there are two different types of animals. One are the egg-laying animals like birds, reptiles, lizards, etc. And another one, the animals which give birth to young ones directly. For example, cow, human beings, tiger, etc. Then we have studied about the internal structure of an egg. Then we have studied about the life cycle of a hen. Okay, so today I am going to explain you about the life cycle of an insect, life cycle of a butterfly, and it is present in page number 68 of my science book. So let's start this topic. Now this topic is about insects. Okay, all insects reproduce by laying eggs. जितने भी कीड़े होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं बाय द मींस ऑफ एग्स. दे आर द एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, लाइक बटरफ्लाई, लाइक कॉकरोच, मस्किटोज एक्सेट्रा, ऑल द इंसेक्ट्स. ओके, नाउ अ बटरफ्लाई लेज एग्स ऑन लीव्स. अब जो बटरफ्लाई है, जो तितलियां हैं, वो अपने अंडे कहाँ पर देती है, तो पेड़ों के पत्ते पर. ऑन द लीव्स दे ले देयर एग्स. ले मतलब देना, तो वो अपने अंडे पत्तों के ऊपर देती हैं. Each egg hatches into a caterpillar, C-A-T-E-R, caterpillar, P-I-L-L-A-R, caterpillar or larva. अब egg के बाद, अब उन्होंने egg दे दिया, उसके बाद next stage क्या आता है butterfly की life cycle में, तो egg जो है वो hatch करता है. Hatch means to break open. Okay, तो जो egg है वो hatch करता है, break करता है, वो develop होता है into a caterpillar or larva. तो जो नेक्स्ट स्टेज है आफ्टर द एग स्टेज, द नेक्स्ट स्टेज इन द बटरफ्लाई लाइफ साइकिल इज ऑफ कैटरपिलर और लार्वा, दैट द एग हैचेस इनटू और द एग डेवलप्स इनटू अ लार्वा, और वी कैन आल्सो कॉल इट कैटरपिलर. ओके, नाउ कैटरपिलर अंडरगोस सेवरल चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट. अब ये जो कैटरपिलर है, विच यू कैन सी इन दिस डायग्राम, This is the caterpillar. These are the eggs on the leaves. It hatches or develops into a caterpillar. अब ये जो caterpillar है, इससे पहले कि एक adult butterfly बन जाए, उसके पहले इस stage में, pupa stage में, it undergoes several changes. इसकी body में बहुत सारे changes होते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं. ठीक है? That is what it is written कि caterpillar undergoes several changes. That means कि caterpillar जो है उसकी बॉडी में, उसके डेवलपमेंट ग्रोथ फेज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वो बहुत सारे चेंजेस के अंडर जाता है इससे पहले कि वो एक एडल्ट बने. ठीक है, एडल्ट बनने से पहले जो कैटरपिलर या लार्वा है वो बहुत सारे चेंजेस के गो थ्रू होता है. ठीक है, इट फीड्स ऑन लीव्स फॉर फूड. और ये जो कैटरपिलर है, ये जो पेड़ों के पत्ते हैं उनको खाते हैं, दैट इज देयर फूड. बहुत सारे पत्ते खाते हैं जब ये कैटरपिलर या लार्वा स्टेज में होते हैं, ये बहुत सारे पत्ते खाते हैं टू गेन एनर्जी. ओके, टू गेन न्यूट्रिएंट्स, सो दैट दे कैन अंडरगो सेवरल चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट. तो जो कैटरपिलर है वो पत्तों पर, पत्ते ही उसका भोजन है, पत्ते ही उसका खाना है, जो पेड़ों के लीव्स होते हैं. नाउ द कैटरपिलर बिकम्स बिगर, इनएक्टिव एंड कवर्स इटसेल्फ आफ्टर फीडिंग सो मच लीव्स. उसके बाद कैटरपिलर के साथ क्या होता है, ये बहुत बड़ा, साइज में काफी बड़ा हो जाता है. इनएक्टिव मतलब ये इतना हैवी वेट हो जाता है कि ये मूव भी नहीं कर पाता. इनएक्टिव हो जाता है, स्थिर हो जाता है, किसी एक जगह पे अपने आप को इनक्लोज कर लेता है. इनएक्टिव मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट. ओके, एंड कवर्स इटसेल्फ, और अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर लेता है. एंड दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज नोन एज प्यूपा. और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर, ये जो कवरिंग है, इट इज बीइंग सीक्रेटेड आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ द कैटरपिलर बॉडी इटसेल्फ. क्योंकि जब ये लार्वा और कैटरपिलर स्टेज में होता है, देन इट फीड्स इटसेल्फ. वो बहुत सारे पत्ते खाता है और अपनी बॉडी में
इट कलेक्ट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, और उतने सारे पत्तों पर फीड करने के बाद इन द कैटरपिलर स्टेज वो बहुत बड़े साइज का हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और अपने आप को एक कवर में प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है, अपने आप को एक कवर अप कर लेता है, ढक लेता है, और इस स्टेज में ये बिल्कुल इनएक्टिव होता है, ये कोई मूवमेंट नहीं करता, ठीक है, ओनली इसकी बॉडी में चेंजेस होते हैं और ये डेवलपमेंट फेज में होता है। और इस प्यूपा स्टेज के बाद जब ये फुली डेवलप हो जाता है इस प्यूपा के अंदर, ठीक है, देन दिस प्यूपा ब्रेक्स अप एंड इट वन स्मॉल एडल्ट बटरफ्लाई हैचेस आउट और कम्स आउट फ्रॉम द प्यूपा। द कैटरपिलर बिकम्स बिगर, इनएक्टिव एंड कवर्स इटसेल्फ। दिस स्टेज इज कॉल्ड अ प्यूपा, और इसी स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, प्यूपा स्टेज से जानते हैं। मतलब प्यूपा इज द इनएक्टिव स्टेज ऑफ द कैटरपिलर। ओके, व्हेन द कैटरपिलर इज इंक्रीजिंग इन साइज, इट्स बॉडी साइज, बॉडी वेट, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, इट इज इन नाउ द लास्ट स्टेज ऑफ इट्स बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनसाइड दिस प्यूपा। ओके, इनसाइड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर, फाइन, तो इसी स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं। इट इज कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव, पी आर ओ प्रो टी सी टेक्टिव टी आई वी प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कुकून। और ये जो प्यूपा स्टेज में आपको ये जो ब्राउन कलर और ग्रीन कलर का लेयर नजर आ रहा है, इसे ही हम कहते हैं कुकून। ओके, इट इज कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कुकून। नो सॉरी, ये तो जो स्टेज है दैट इज द प्यूपा स्टेज, और इस प्यूपा के अंदर जो ये कैटरपिलर डेवलप कर रहा है तो ये अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर कर लेता है, दैट इज दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड कुकून। और इस कुकून स्टेज में जब ये कैटरपिलर, ये लार्वा रेस्ट कर रहा होता है, इनएक्टिव हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, तो उस कंप्लीट स्टेज को हम किस नाम से जानते हैं, प्यूपा स्टेज। द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक इज कि जो बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में जो एडल्ट बटरफ्लाई है, फर्स्ट एग स्टेज हैपेंस, जो वो अंडे देती है पत्तों पर, जो एडल्ट बटरफ्लाई है, एडल्ट मीन्स फुली डेवलप, फुली ग्रोन अप बटरफ्लाई, इट लेज एग्स, एज यू कैन सी दीज आर द स्मॉल एग्स, एंड एग हैचेस इनटू अ कैटरपिलर एंड इट लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ओके, नाउ द एग जो है वो हैचेस इनटू अ कैटरपिलर, इस एग में से छोटे छोटे कैटरपिलर्स या लार्वा दोनों हम कह सकते हैं, ये कैटरपिलर बाहर आते हैं। नाउ दिस इज द कैटरपिलर स्टेज और लार्वा स्टेज ऑल्सो वी कैन कॉल इट। Now caterpillar eats leaves and becomes bigger. अब ये जो caterpillar है ये पेड़ों के पत्तों को खाते हैं और साइज में बड़े हो जाते हैं। अब उसके बाद what happens? The caterpillar covers itself in a cocoon to form pupa. अब ये जो caterpillar है after eating so much leaves and increasing in size, becoming bigger and inactive, they start covering themselves in a protective layer. एक सुरक्षा कवच में अपने आप को cover up करना start कर देते हैं, ठीक है, और उस सुरक्षा कवच को, उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम कुकून कहते हैं, COCOON, कुकून। और इस पूरे स्टेज को हम प्यूपा स्टेज के नाम से जानते हैं। सो प्यूपा शेड्स इट्स स्किन मेनी टाइम्स एंड गिव्स राइज टू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। अब इस प्यूपा स्टेज के अंदर, इस कुकून के अंदर ये जो कैटरपिलर है ये फुली मैच्योर्ड होता है, फुली ग्रोन अप होता है, इसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। लेकिन उसके पहले ये प्यूपा जो है अपने स्किन को बहुत बार शेड करते हैं, ठीक है, प्यूपा शेड्स इट्स स्किन, मतलब प्यूपा अपने स्किन को बहुत बार छोड़ते हैं, ओल्ड स्किन को छोड़ते हैं, न्यू स्किन गेन करते हैं, ओल्ड स्किन को छोड़ते हैं एंड दे अक्वायर न्यू स्किन, उसी को हम कहते हैं शेड्स इट्स स्किन, मतलब अपने पुराने स्किन को लीव करते हैं और न्यू स्किन को गेन करते हैं, ठीक है। So, pupa sheds its skin many times, और ऐसा बहुत बार करते हैं ये pupa stage में, ठीक है। So, that's why in this pupa stage, this protective cocoon, it is very important because it protects, it gives covering, it gives protection to that growing caterpillar, which is changing, which is undergoing molting, MOULTING. ये जो shedding of skin होती है इन insects के द्वारा इस pupa stage में, उसे हम साइंटिफिक टर्म में मोल्टिंग कहते हैं, मोल्टिंग ऑफ स्किन, MOULTING, मोल्टिंग ऑफ स्किन। ओके, तो प्यूपा जो है शेड्स करता है अपना स्किन बहुत बार, और उसके बाद जाके इट गिव्स राइज टू अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, उसके बाद ये एक सुंदर तितली में, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। द कुकून स्प्लिट्स ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। जब इस कुकून के अंदर, इस प्यूपा स्टेज में जब ये कैटरपिलर कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाता है बाय शेडिंग इट्स स्किन मेनी टाइम्स
ठीक है। देन उसके बाद जब ये फुली मैच्योर्ड एडल्ट बटरफ्लाइज के अंदर बन जाता है तो ये जो कुकून है ये स्प्लिट ओपन, स्प्लिट मीन्स टूट जाते हैं, ये ओपन हो जाते हैं और उसके अंदर से जो फुली डेवलप एडल्ट ग्रोन अप बटरफ्लाई है वो बाहर आ जाती है इस प्यूपा स्टेज में से और उस प्रोटेक्टिव कुकून में से। सो इट इज कवर्ड बाई अ प्रोटेक्टिव लेयर कॉल्ड कुकून, ये कुकून नाम के एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होते हैं। द कुकून ब्रेक्स आफ्टर अ वीक एंड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई कम्स आउट ऑफ इट, मतलब एटलीस्ट वन वीक टाइम इट टेक्स, द कैटरपिलर टेक्स एटलीस्ट वन वीक ऑफ टाइम इन साइड इन द प्यूपा स्टेज इन साइड देयर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कुकून टू शेड देयर स्किन, टू शेड देयर न्यू ओल्ड स्किन एंड गेन न्यू स्किन, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग। ओके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंटू एन एडल्ट ब्यूटिफुल बटरफ्लाई। ओके, एंड इट टेक्स अ वीक टाइम, एक हफ्ते का समय लग जाता है। तो उसके बाद जो कुकून है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और एक हफ्ते के बाद एक खूबसूरत सुंदर सी तितली बाहर आती है इससे। द प्रोसेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ यंग फॉर्म टू एन एडल्ट फॉर्म इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, META मेटा MOR PHOSIS फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, व्हाट वी विल कॉल इट, मेटामॉर्फोसिस। तो वो प्रक्रिया, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें कि एक यंग फॉर्म से, एक छोटे से फॉर्म से, यू कैन सी ओवर हियर दीज एग्स आर सो स्मॉल, एग के बाद इट गोज इनटू द कैटरपिलर और लार्वा स्टेज, आफ्टर द कैटरपिलर और लार्वा स्टेज इट गोज इनटू द प्यूपा स्टेज, इन द प्यूपा स्टेज इट डेवलप्स, इट सीक्रेट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज कॉल्ड कुकून, एंड इनसाइड द कुकून द प्यूपा शेड्स इट्स स्किन मेनी टाइम्स एंड गिव राइज टू एडल्ट ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, एंड देन आफ्टर अ वीक टाइम द कुकून स्प्लिट्स ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। और ये जो कुकून है, कुकून एक्चुअली बेटा प्यूपा, इस प्यूपा के अंदर ही जो कुकून है, जो ये कैटरपिलर अपने आप को एक प्रोटेक्टिव लेयर में कवर कर लेता है, इस स्टेज का नाम है प्यूपा स्टेज। एक्चुअली में ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसे हम कहते हैं कुकून, फाइन। तो उस कुकून के अंदर ही इस कैटरपिलर की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, दैट इज नोन एज शेडिंग ऑफ इट्स स्किन, वो बहुत बार अपने ओल्ड स्किन को लीव करता है, न्यू स्किन को गेन करता है, so that it could develop, it could grow, it could mature into an adult butterfly, okay? तो इस पूरे process को हम क्या कहते हैं, metamorphosis। जब वो एक छोटे से form से एक adult form में convert होता है, change होता है, then it is known as metamorphosis, okay? And this is the life cycle of a butterfly, and this diagram and this labeling is very very important. Now the life cycle of a butterfly has four stages. तो अब एक butterfly की जिंदगी में, जीवन चक्र में कितने stages आते हैं, कितने पड़ाव आते हैं, कितने stages main हैं, क्या main उनके development growth stages हैं? तो they are the four main stages. Egg, then caterpillar, caterpillar or larva stage, both will be the same, okay? Pupa and adult. So these are the name of the different stages which occurs in the life cycle of a butterfly. So you should underline it and learn it also. That is the egg, then caterpillar, then pupa and adult. Now let's see what is given in the let's know more section. The egg of a housefly hatches into a larva called maggot. MAGGOT, got, maggot. Okay, क्या कहेंगे हम इसको, maggot. तो जो हम, आप मक्खियां तो देखती होंगे, that is known as housefly. And they are very dirt-carrying insects, okay? So we should keep our food, water, whatever eatables we are having, we should keep it well covered so that the flies could not sit over them because they are the carrier of germs. They can spread diseases, okay? So, but यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि जो house fly है, उसकी जो egg hatch होती है, तो वो जिस larva में convert होती है, उस larva को हम maggot कहते हैं, ठीक है? जैसे हमने बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर या लार्वा कहा, उसी तरीके से ये जो हाउसफ्लाई की एग हैच होने के बाद वो जो लार्वा बनती है उसे कहा जाता है मैगोट, एंड दिस इज द पिक्चर, फाइल पिक्चर ऑफ द मैगोट और द लार्वा स्टेज ऑफ द हाउसफ्लाई, ओके। नाउ इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर, GRASS ग्रास, HOPPER हॉपर एंड कॉकरोच हैव थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच,
ठीक है, उनके लाइफ साइकिल में, उनके जीवन चक्र में तीन स्टेजेस आते हैं, ठीक है। द बेबी कॉकरोच लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच बट इज स्मॉलर इन साइज एंड डज नॉट हैव विंग्स। दैट मीन्स कि जो एडल्ट कॉकरोच है वो एग देते हैं और एग के बाद बेबी कॉकरोच, एंड देन बेबी कॉकरोच डेवलप्स इनटू अ एडल्ट कॉकरोच। ओनली डिफरेंस इज दैट कि जब एग में से बेबी कॉकरोच बाहर आते हैं तो वो बेबी कॉकरोच बिल्कुल एडल्ट कॉकरोच की तरह ही दिखते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं और उस टाइम पे उनके विंग्स डेवलप कंप्लीटली नहीं होते हैं, सो दैट फॉर दैट रीजन दे कुडंट फ्लाई, द बेबी कॉकरोचेस कुडंट फ्लाई। ओके, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर कि जो बेबी कॉकरोच है वो बड़े कॉकरोच एडल्ट कॉकरोच की तरह ही दिखते हैं, लुक्स लाइक मतलब उनकी तरह ही दिखते हैं, बट लेकिन साइज में छोटे होते हैं और उनके पास विंग्स नहीं होते, ठीक है। आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स इट चेंजेस इनटू एन एडल्ट। आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ओनली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल्टिंग, MOULTING। मोल्टिंग का मतलब होता है शेडिंग ऑफ द ओल्ड स्किन एंड ग्रोइंग और डेवलपिंग ऑफ द न्यू स्किन। ओके, दैट इज नोन एज मोल्टिंग। यहाँ हमने जो पढ़ा ना प्यूपा शेड्स इट्स स्किन, तो दैट इज ओनली इन साइंटिफिक टर्म इज नोन एज मोल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। जब जो इंसेक्ट हैं जो उनके डिफरेंट लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं, तो जो लार्वा स्टेज है जब वो अपनी पुरानी स्किन को छोड़ देते हैं और न्यू स्किन को गेन करते हैं, और ये रिपीटेड टाइम्स करते हैं, मेनी टाइम्स करते हैं, तब तक होता रहता है उनकी बॉडी में ये चेंजेस जब तक कि वो एडल्ट बटरफ्लाई या एडल्ट इंसेक्ट में फुली डेवलप्ड या मैच्योर्ड ना हो जाए। तो सिमिलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच और अ ग्रास हॉपर ऑल्सो, जो उनके बेबी यंग वंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉकरोच, जो दो बेबी कॉकरोच होता है इट लुक्स लाइक एन एडल्ट कॉकरोच, ओके, लेकिन साइज में छोटा होता है और उसके पास विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बार मोल्टिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद आफ्टर शेडिंग ऑफ इट्स ओल्ड स्किन मेनी टाइम्स इट चेंजेस इंटू एन एडल्ट। और ये इट किसके लिए आया है, इट हैज कम फॉर द बेबी कॉकरोच। तो बेबी कॉकरोच अल्टीमेटली एक एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स, आफ्टर शेडिंग इट्स स्किन, आफ्टर शेडिंग इट्स ओल्ड स्किन मेनी टाइम्स। ओके, मोल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो मोल्टिंग है ये वो प्रक्रिया है जिसमें जो ये इंसेक्ट्स हैं ये अपने पुराने स्किन को छोड़ते हैं और न्यू स्किन को गेन करते हैं, ठीक है, एंड इट इज क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, इट मे टेक्स 1 week, 10 days और 15 days टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इंसेक्ट्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्रॉग, सो लेट्स कंप्लीट दिस टॉपिक ऑल्सो। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग ऑल्सो शोज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस। अभी हमने पढ़ा वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फोसिस, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ यंग फॉर्म, मतलब एक बहुत छोटे से फॉर्म से चेंज होने के बाद एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना। तो एक यंग फॉर्म से एडल्ट फॉर्म गेन करने तक में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव की प्रक्रिया होती है, उसे साइंटिफिक टर्म में हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है, फ्रॉग का जो जीवन चक्र है, उसमें भी मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है, इट ऑल्सो एग्जिबिट्स, इट ऑल्सो शोज मेटामॉर्फोसिस। ओके, अ फ्रॉग लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स इन अ लेक और पॉन्ड इन क्लस्टर्स, क्लस्टर्स का मतलब होता है झुंड, ग्रुप, ओके, CLUS क्लस्टर्स, TERS क्लस्टर्स, कॉल्ड स्पॉन्स, SPAWNS स्पॉन्स। तो मेंढक के जो अंडे हैं उनका जो क्लस्टर है, जो झुंड है, जो कलेक्शन है, उसे हम अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो दैट इज नोन एज स्पॉन, SPAWNS स्पॉन्स, ओके, स्पॉन ऑफ एग्स। तो जो मेंढक है वो हंड्रेड्स ऑफ एग्स एक बार में देते हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं, और वो अंडे इन एन एक्वेटिक बॉडी लाइक वाटर बॉडीज, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड्स, लेक्स, इनमें ही जाकर अंडे देते हैं, और उन अंडों के क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, उनके ग्रुप्स को क्या कहते हैं, स्पॉन्स। ईच एग हैचेस इनटू अ टैडपोल, अब अंडों से क्या बाहर आता है, तो अंडों के अंदर से टूटकर ब्रेक होकर क्या बाहर निकलता है, टैडपोल। ओके, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ऑल्सो, अ टैडपोल हैज नो लेग्स, और टैडपोल के पास कोई लेग नहीं होता, और इसके पास ब्रीदिंग ऑर्गन के फॉर्म में गिल्स प्रेजेंट होते हैं टैडपोल में, सो दैट दे कैन ब्रीद इन वाटर। ओके, सो दे आर हैविंग गिल्स। सो जब एक
फ्रॉग जो है वो टैडपोल स्टेज में होता है, देन इट इज हैविंग गिल्स एज अ ब्रीदिंग ऑर्गेन बिकॉज द टैडपोल रिमेन्स इनसाइड द वॉटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स और लेक्स. ओके, तो जो मेंढक के अंडे हैं वो हैच करके क्या कन्वर्ट होते हैं, क्या बनते हैं, टैडपोल. सो टैडपोल इज द नेक्स्ट स्टेज. फर्स्ट इज द स्पॉन ऑफ एग्स, देन देयर इज द टैडपोल स्टेज एंड द टैडपोल हैज नो लेग्स. ओके, इसके पास उस समय पैर डेवलप नहीं होते. अ टैडपोल लुक्स लाइक इट इज हैविंग अ टेल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प इट्स टू स्विम इन द वॉटर बॉडीज. ओके, द टैडपोल लुक्स लाइक अ स्मॉल फिश, और जो टैडपोल है वो बिल्कुल एक छोटी मछली की तरह दिखती है. इट लिव्स इन वॉटर एंड ब्रीथ्स थ्रू गिल्स, दैट्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू, कि ये पानी में ही रहते हैं और इनके पास गिल्स होते हैं जिससे कि ये ब्रीथ करते हैं पानी के अंदर. ओके, द टैडपोल फीड्स एंड ग्रोज इन टू अ बेबी फ्रॉग. अब इस टैडपोल स्टेज में वॉट एवर स्मॉल एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक प्लांट पार्ट्स, वॉट एवर इट इज अवेलेबल इन दैट एक्वेटिक रीजन इन दैट पॉन्ड्स और लेक्स, वो उसको खाते हैं, फीड करते हैं और धीरे धीरे एक बेबी फ्रॉग में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, विच फाइनली बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग, जो फाइनली जाके एक एडल्ट, एक मैच्योर्ड, एक ग्रोन अप फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं या ग्रो कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. ओके, देर आर थ्री स्टेजेस यू कैन सी, और वी कैन से फोर स्टेजेस. ओके, सो इट इज ऑल्सो हैविंग फोर स्टेजेस. फर्स्ट इज द obviously this small baby frog is converting into an adult frog, so we will count it also in the life cycle stage. So adult frog, it is giving cluster of eggs in an aquatic body in a water source like ponds or lakes, and that cluster of eggs is known as spawn of eggs. Now from out of these spawn of eggs hatches out a small tadpole which is not having any legs, it is having a tail like structure which help it to swim in the water. And this small tadpole, it looks like a little fish, okay, a small fish, and it is also having gills to breathe in the water. Now this tadpole feeds on small aquatic organisms, small aquatic insects or whatever food it is available over there, and then it changes into a, the tadpole changes into a baby frog, as you can see. Now slowly its legs start developing and the tail start disappearing. In the baby frog stage, what happens? इसके जो पैर हैं वो ग्रो करना स्टार्ट होते हैं और इसके जो टेल लाइक स्ट्रक्चर थी वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट होती है. ओके, द टैडपोल ग्रोज लेग्स. अब ये जो टैडपोल है ये धीरे धीरे इसके पैर ग्रो करने लगते हैं, लेग्स ग्रो होने लगते हैं, एंड देन द टैडपोल लूजेज इट्स टेल. और जैसे ही वो एडल्ट फ्रॉग में कंप्लीट, एक एडल्ट फ्रॉग में ग्रोन अप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, पूरा मैच्योर्ड एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं, तो वो अपने टेल को लूज कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं. इनके टेल ऑटोमेटिकली नेचुरली ही गायब हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, बिकॉज नाउ दे हैव वेब्ड फीट. अब इनके पास पैर हैं, ठीक है, विच कैन हेल्प देम टू वॉक, टू लीव ऑन लैंड, एज वेल एज वेब्ड फीट जो है वो हेल्प करते हैं टू स्विम इन द वॉटर ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. बेटा, ऑल दीज डायग्राम्स ऑफ द लाइफ साइकिल विच वी आर सीइंग, द लाइफ साइकिल डायग्राम, life cycle of a butterfly diagram along with the labelings, different stages, then life cycle of a frog diagram along with different stages and their labeling, their naming, it is very very important that you have to keep in your mind and learn. Okay, so for this part of this lecture video of this chapter, this much only. Whatever is the remaining topic, I will cover in the next part of this chapter lecture video. Till then, you also go through the chapter, read the chapter at least 2 to 3 times. Okay, for better understanding and concept clarity, and side by side keep on learning your previous chapter works also. So that's all for today's class. Thank you for the class.